हेलो फ्रेंड, दिस इज मौलिशा परमार फ्रॉम ज्ञान और द ज्ञान, स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आज से 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी जो उसकी अभी की एज है। अब हमें क्या फाइंड करना है, उन रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो इधर हम क्या कर लेंगे, क्या हमको फाइंड करना है, रवि की प्रेजेंट एज। सो लेट द रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, 15 साल बाद यानी प्लस, अगर आपसे बोला जाए कि आपकी एज 10 है, 4 साल बाद कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, 14 इयर्स। यानी हम 10 में 4 को ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही हम इधर भी एक्स में यानी जो प्रेजेंट एज है रवि की उसमें हम 15 को ऐड करेंगे। तो यानी आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज कितनी हो जाएगी 15 ईयर्स के बाद, एक्स प्लस 15। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि रवि 15 साल बाद रवि की एज उसके प्रेजेंट एज से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी एक्स प्लस 15, 15 साल बाद रवि की एज कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, यानी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 15 4x, ये हमारा x इधर आएगा, न पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। सो 15 4x माइनस एक्स 3x। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 15/3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 5। यानी x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 5। और रवि को हमने क्या माना था, x, तो यानी रवि की एज हमारी कितनी हुई, 5। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।